गाइस, तो स्वागत है आप सबका आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ मतलब जो JEE की रिसेंटली जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेंज हुए है, उसके बारे में बात करेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने के पहले जो जो इस चैनल में नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जो मतलब नया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेट किए हैं JEE के लिए, वो मतलब पहले जैसे थे कि 75% चाहिए आपको मतलब एडमिशन लेने के लिए NIT या तो IIT के अंदर में। वो क्राइटेरिया भी हटा दिए है 2020-21 के लिए। जो NTA है, नेशनल टेस्ट एजेंसी, वो मतलब कुछ रिलीज़ किए है, न्यूज़ रिलीज़ किए है, जैसे कि मतलब JEE के लिए अब 75% नहीं चाहिए आपको एडमिशन के लिए। और जो मतलब ये है, ये 2020 और 2021 के लिए है, मतलब ड्यू टू कोरोना पेंडेमिक। ये एक तरीके से अच्छा है, मतलब किसी के अगर जैसे परसेंटेज कम आ जाते हैं और एग्ज़ाम में परसेंटाइल हाई आ जाते हैं, बट उसको भी फिर एडमिशन के लिए थोड़ा बहुत तकलीफ होता है, वो नहीं होगा अभी, उसके लिए अच्छा है। और मतलब आपका अगर क्या JEE में परसेंटाइल अच्छा आ गया, आपको एडमिशन लेने के लिए अच्छा हो जाता है। इतना ही, और वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू। और अगर आपको और कुछ चाहिए, रिलेटेड न्यूज़ चाहिए या किसी और टॉपिक में वीडियो बनाना है, आप कमेंट करके बोल सकते हैं मुझे। और अगर कुछ जानना है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू और टेक केयर।